अगर आप अभी भी ऐसा ही सोच रहे हो कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को रीड आउट करके या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप कवर कर सकते हो क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि आप यहाँ गलत हो। क्योंकि बच्चों बोर्ड ने आपके क्वेश्चंस का पैटर्न अब चेंज कर दिया है, यानी कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो एनालाइज बेसिस पे होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को काफ़ी डेप्थ में रीड आउट करने की और उसे समझने की और साथ ही साथ याद रखने की भी। तो आज की ये जो वीडियो है, हम क्लास 10 सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट को लेकर, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी के। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविक्स को लेकर। अब देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो सोशल साइंस को एक परफेक्ट वे में, तो सिविक्स आपको इसमें सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो कैसे, देखिए स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 लेसन है मोस्ट प्रोबेबली वही आपके हाफ ईयर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड लेसन की बात करूं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, तो ये एक कंबाइंड लेसन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा रेलेवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता हूं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको फेडरलिज्म में ही पढ़ने को मिलती है और पावर शेयरिंग में भी देखने को मिलती है। और जब हम इन चीजों को कवर करते हो तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है जेंडर वाला, तो उसके अंदर थोड़ा आप सोशली आप एक्टिव हो जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको इंटरेस्ट लाता है। देन उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो अपने हिस्ट्री के साथ। अब हिस्ट्री में आपका फर्स्ट लेसन जो है नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसको ड्रॉप कर देना है। अरे ऐसे कैसे? जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं तो एक तरीके से हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी इसमें ज्यादा आता है। तो आई सजेस्ट कि आप नेशनलिज्म इन यूरोप की जगह नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में स्टार्ट करो, यानी कि जो आपका सेकंड चैप्टर है, देन आप शिफ्ट करो अपने फर्स्ट लेसन के साथ। उसी तरह अगर हम ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, जो थर्ड लेसन है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा कोरिलेट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है वो तो काफी ज्यादा सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आप रिसोर्सेज के बारे में जानते हो और थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड देन जो थर्ड चैप्टर है वो आपका वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड है। और उसी तरह आपके जो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 2 लेसन है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज के बारे में, तो ये वाली जो चीज है वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो अब मैं आपको 10 से 12 मिनट्स की जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका जिक्र मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया था स्पेशल अनाउंसमेंट में, तो देखिए मैं भी इसी पैटर्न के साथ आपकी इसमें हेल्प करने वाला हूं कि 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको एक वन शॉट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा, सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होगी। एक परफेक्ट वे में सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक लेसन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने सोशल साइंस की जो स्टडी है नेक्स्ट लेवल में कर सके, जो हेल्प करेगी आपके यूनिट टेस्ट में भी और साथ ही साथ सबसे मेन आपके हाफ ईयर एग्जाम में भी। तो ये वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी हम मिलेंगे आपने एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग से रिलेटेड ही। तो तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।